गुरुवार को नरेंद्र मोदी के जिस मंत्रिमंडल ने शपथ ली है वह अनूठा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा इसमें 56 अन्य सदस्य हैं, जिनमें से 10 राज्यसभा के सदस्य हैं और 2 ऐसे लोग हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ये हैं महान मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान और पूर्व विदेश सचिव जयशंकर। कहा जा सकता है कि यह प्रोफेशनल मंत्रिमंडल है। इसमें पूर्व सेनाध्यक्ष हैं, पूर्व IAS हैं, पूर्व IFS हैं, डॉक्टर हैं, ढोरों के डॉक्टर भी हैं और PhD वाले डॉक्टर भी, CA हैं, इंजीनियर हैं, BCCI के पूर्व अध्यक्ष हैं, लॉ प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, गायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और पूर्व सरपंच भी। 8 बार जीतने वाले बरेली के संतोष कुमार गंगवार भी हैं और पहली बार जीतने वाली बंगाल के देवाश्री चौधरी भी। अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति जुबिन ईरानी भी हैं और जोधपुर के अशोक गहलोत के बेटे को हराने वाले गजेंद्र सिंह भी और बाड़मेर में जसवंत सिंह के बेटे को हराने वाले कैलाश चौधरी भी। मंत्रिमंडल में मुस्लिमों के एकमात्र प्रतिनिधि हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब और नारी शक्ति के प्रतीक हैं निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजना, हरसिमरत कौर, रेणुका चौधरी और देवाश्री चौधरी। मंत्रिमंडल में अरुणाचल प्रदेश के किरण रिजिजू हैं और गोवा के श्रीपाद नाइक भी, केरल के बी मुरलीधरन हैं तो गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला भी, हिमाचल के अमीरपुर से जीते अनुराग ठाकुर हैं तो डिब्रूगढ़ असम के रामेश्वर तेली भी, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो पूर्व सरपंच प्रताप चंद सारंगी भी मंत्री बने हैं। TV के न्यूज़ चैनल वाले देश को बता ही चुके हैं कि इस मंत्रिमंडल में कौन कुर्मी है, कौन जाट, कौन गुर्जर है और कौन पंडित, कौन वैश्य है और कौन ठाकुर। इस मंत्रिमंडल में BMW में घूमने वाले भी हैं और साइकिल पर घूमने वाले भी। कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने इस मंत्रिमंडल में बहुत संतुलित मंत्रिमंडल को संतुलित बनाने का प्रयास किया है। अब आगे 5 साल हैं, देखते हैं उनकी यह इनिंग कैसी रहती है।